हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नींद आ रही है क्या? ये देखो, नवीन कह रहे हैं नींद आवा है। क्या बात है। रेनू शर्मा, सुप्रिया, विनोद, राजकुमार, चंदा, किरण, नवीन, वीवी शिवा, कमल, संगीता, कमल, मिताल, मिथिला घुले, नवीन कुमार, चंदा कुमारी, और कौन आ गए भाई? सोनिया, हरप्रीत, रेनू शर्मा जी, सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी टीचर डे। और ऐसे ऐसे कौन कर रहा है? ऐसे अंगड़ाइयाँ कौन ले रहा है? अपनी अंगड़ाइयाँ छोड़ दीजिए, नहीं पिटाई हो जाएगी आपकी, है ना? सुबह सुबह नींद आ रही है ना आपको? मनोज कुमार, बबीता शर्मा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सभी को हैप्पी टीचर डे जी। आप सभी को भी हैप्पी टीचर डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू। आप सभी ने हमें विश किया। रश्मि कुमारी, मनोज कुमार, शिव प्रताप, रेणु, हरप्रीत, सोनिया जी, सभी को थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आप देखिए, हमारे पास अभी 10-12 दिन रहे हुए हैं, तो आप सभी अपना अपना आलस छोड़ दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है? और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि टीचर्स डे है, तो टीचर डे पे आज आपको कुछ तोहफा मिलना चाहिए ना, तो आज मिलेगा। दिन में अभी आने वाला है, 9-10 बजे आपकी पिटाई होगी, आज सभी की पिटाई होगी, तो देखना, जरूर देखना वीडियो। सुमी जैन जी, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। इससे पहले दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, जो मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ में नहीं आ रही, जल्दी से मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आपका कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने ऐप के अंदर नंबर दूसरा ऐड किया हुआ है। आप चेक कीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन सा नंबर था और आपने कौन सा नंबर डाला हुआ है। आप नंबर चेंज कर लेते हैं ऐप के अंदर, इसलिए आपका जो कोर्स है वो नहीं दिखाता। तो इसलिए सबसे पहले आप नंबर चेंज कीजिए। अगर नंबर सेम है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे स्टोर पे आइए दोस्तों। यहाँ पे नीचे स्टोर पे आपको क्लिक करना है ऐप के अंदर। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर देखिए योर परचेज्ड कोर्स दिखाई दे जाएगा, और इसके अंदर जो कोर्स आपने परचेज किया है, जो बाय किया है, केवल और केवल आप उसी को देखिए, और किसी भी कोर्स को मत देखिए। आप क्या करते हैं कि आप दूसरे कोर्स में जाके कहते हैं, सर ये तो कोर्स मेरा लॉक है। तो यार, आप खुद समझिए कि जो कोर्स आपने बाय किया है वही ओपन होगा, दूसरा कोर्स ओपन नहीं होगा, वो लॉक होगा। आप केवल और केवल आपने जो बाय किया है ना, उसी कोर्स को ओपन करें, दूसरे को मत छेड़े, ठीक है? और उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप अपने कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, कंटेंट आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको 20 डेज मैराथन क्लास सबसे नंबर एक पे आपको दिखाई दे जाएगा ये फोल्डर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरे सभी डेट वाइज क्लास मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अगस्त, 31, 2, 3 अगस्त, 3 सितंबर, यहाँ पे डेट वाइज क्लास मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी सभी क्लासेस ले सकते हैं आज तक जितनी भी हुई है। और दोस्तों, मैं बार बार, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, प्लीज 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 आप यहाँ से आके लिंक लिया करें लाइव क्लास का, और जो भी हमारे डेली क्लास होते हैं उसका लिंक आपको पेड कोर्स में यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, ऐप के अंदर यहाँ पे नीचे देखिए चैट ऑप्शन दिखाई देता है आप सभी को, ये देखिए ब्लू कलर में चैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने जो कोर्स बाय किया है उसकी चैट यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप चैट के अंदर देख सकते हैं, हम लिंक वगैरह सेंड कर देते हैं, जो भी क्लास होती है या जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसका लिंक यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तरीके मैंने बता दिए दो, तो सभी दोस्त आगे से इस तरह से क्लास लेनी है। हम किसी को भी पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट है, किस किस को सेंड करें जी, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है व्हाट्सएप पे सेंड करना। प्लीज़ आप ऐप में आके इस तरह से डेली क्लास लिया करें। और नंबर देखने के लिए दोस्तों, नीचे देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना नंबर देख सकते हैं कि आपने कौन सा नंबर डाला हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास लेते हैं। और सभी दोस्त आ गए, श्रुति, सुमी, सविता, राजकुमार, विक्रम, नेहा, वीना जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, कल हमारी क्लास खराब हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो अब बताइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और 24 दोस्त ऑनलाइन है। और दोस्तों यार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आप सभी दोस्त क्लास क्यों नहीं ले पाते। हमने तो आपको व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म किया, हमने आपका टेक्स्ट मैसेज भी किया है, टेक्स्ट मैसेज भी किया हमने आपको, व्हाट्सएप पे भी बताया आपको, ऐप में भी इतने नोटिफिकेशन भेजे, लेकिन इतना ज़्यादा इन्फॉर्म करने के बावजूद भी यार इतने कम दोस्त क्यों हैं ऑनलाइन, समझ में नहीं आ रही मेरे ये बात। और हमारे पेड कोर्स के अंदर, मैं बताऊं, पेड कोर्स के अंदर कम से कम 325 स्टूडेंट हैं अब, जिन्होंने अपडेट किया है कोर्स, ठीक है, 325 स्टूडेंट में से इतने कम स्टूडेंट आ रहे हैं यार, ये बहुत ही चिंताजनक बात है पेड कोर्स के अंदर भी। तो आप क्लास लिया करें दोस्तों, प्लीज मिस मत कीजिए जी। सुप्रिया, श्रुति, सुमी, विक्रम, दीपशिखा, रश्मि, प्रतिभा, राजकुमार, चंदा कुमारी, मनोज, वीना, शिव, विनोद, बबीता शर्मा, वीना सुमन। सर टाइम इतना जल्दी क्यों है जी? इवनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी, इवनिंग के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी लास्ट 2 डेज से। तो हम एक एक दिन ऐसे खराब तो नहीं कर सकते जी, तो इसलिए हमने सुबह की क्लास रखी है ताकि अच्छे से हमारी क्लास हो जाए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए जी। जैन क्लब ने बी आंसर दिया जी, सभी दोस्तों ने बी आंसर दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर भी आएगा। और ये हमने आपको करवाया हुआ है किस तरह से होगा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमने आपको करवाए हुए हैं जी। सविता मलती जी, सभी ने बी दिया जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक कोड में हेल्थ को KHDOWK लिखा जाता है, तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ये बताइए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज पिटाई होने वाली है आपकी, 9 बजे एक वीडियो आने वाली है, उसमें पिटाई होगी आपकी। 2 का A, 2 का A, सेकंड स्टार्ट हो गया है। दीपशिखा, बबीता, मनोज कुमार, वीना, राजकुमार, कमल, सुमी जैन, वीना, सुप्रिया, सविता, विनोद, रश्मि, नवीन, रेनू शर्मा, जैन क्लब, श्रुति सिंह, सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया है। विक्रम, नेहा, वी शिवा, विनीता रानी, हरप्रीत जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया है जी। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ए आएगा। और ये भी हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है, और किसी भी दोस्त का गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अच्छे से समझ में आई ये चीज़ें। हरप्रीत, शिव, चंदा, वीना, सर एक बात कहूंगी, हाँ जी बोलिए जी बोलिए, सुप्रिया कुमारी, यस जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन में से क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में से है। एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधा 20 मीटर चला, सीधा कितना चला, 20 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर, दाहिनी ओर का मतलब है राइट, राइट मुड़ के 10 मीटर चला। मैं हिंदी में और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ आपको, दाहिनी मतलब राइट मुड़ा, और फिर उसके बाद में बाई ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चला, फिर क्या है वो लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला, उसके बाद में दाहिनी ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला, यानी कि फिर दोबारा वो राइट मुड़ा। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो दाहिनी है ना, दाहिनी का मतलब है राइट और बाएं का मतलब है लेफ्ट, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, आंसर आ जाएगा जी। थ्री का सुमी, बबीता, राजकुमार, मनोज, गायत्री, दीपशिखा, कमल, श्रुति, जैन, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मुझे टाइम लग जाता है, लेकिन आपके मेथड से ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो गए हैं, टाइम भी कम लगता है, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आसान हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दाहिनी का मतलब होता है राइट साइड और बाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप जी। और इस तरह के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से बहुत क्वेश्चन आज तक आए हैं,
गायत्री जी लेट आए हैं, लेट आने वालों की कोई शुभकामनाएं नहीं ली जाएगी आज, उनकी पिटाई होगी। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरी। हाँ जी, चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ए आएगा, 50 मीटर इसका आंसर आएगा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिस भी दोस्त को प्रॉब्लम है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर ये क्लास बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं क्या? हाँ जी, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं ये क्लास, आप कभी भी देख सकते हैं। जो दोस्त नहीं आ सकते वो बाद में भी क्लास ले सकते हैं। चलिए इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ अपने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर चला, सबसे पहले कितना है दोस्तों? 10 मीटर सीधा चला, उसके बाद में दाहिनी ओर यानी कि वो राइट मुड़ के 10 मीटर चला। सबसे पहले सीधा चला, फिर राइट मुड़ गया 10 मीटर चला, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़कर क्रमशः 15 15 15 15 मीटर चला। ठीक है, इस समय वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति है, वो सबसे पहले सीधा चला और वो क्या है, राइट साइड मुड़ के 10 मीटर चला, और फिर क्या है, वो लेफ्ट साइड मुड़ के पहले 5 मीटर चला, फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ गया 15 मीटर चला, और फिर दोबारा से मुड़ के लेफ्ट मुड़ के वो 15 मीटर चला। तो बताइए वह आरंभिक दूरी से कितना कितना दूर है? जी गायत्री, बबीता, सुमी, राजकुमार, श्रुति, शोभना, रेणु, नवीन कुमार। जी सभी ने इसका आंसर डी दिया है। जी और बताइए, हरप्रीत कौर, विक्रम, दीपशिखा, जी चंदा कुमारी, सुपीरिया। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके जी, ओके, समझा देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आंसर दे रहे हैं वो दीजिए, विनोद कुमार, मनोज कुमार, सुप्रिया। एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जी करते हैं, जी करते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप। रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन, ये भी लेट आए भाई, इनकी पिटाई करो भाई, इनकी पिटाई करो। वीवी शिवा का डी आंसर दिया है। और कितने दोस्त ऑनलाइन है? 27 दोस्त ऑनलाइन है। वेरी बैड, बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये, केवल 27 दोस्त हैं। जी चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? जी इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 5 मीटर आएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, 5 मीटर। और जिन दोस्तों को नहीं रहा, जो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, वो देख लीजिए यहाँ पे आरंभिक बिंदु कहाँ है। एक व्यक्ति क्या कि सीधा चला 10 मीटर चला, उसके बाद में दाहिनी ओर यानी राइट साइड में मुड़ा, कितना चला? 10 मीटर चला, उसके बाद में वो कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड में मुड़ता गया। पहले 5 मीटर मुड़ा, 15 मीटर मुड़ा, और फिर दोबारा से 15 मीटर मुड़ा। तो अब देखिए आरंभिक बिंदु से लेके वो लास्ट पॉइंट तक के बीच में कितनी दूरी है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी उम्मीद कर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सभी को आ गया जी, एक दो दोस्तों को प्रॉब्लम है वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिट्टो कॉपी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। देखते इसका आंसर क्या आएगा। जी प्रीति मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर, घूसा लगेगा आपको आज, गंदे काम मत करवाओ आप, टीचर डे है, लेट मत आओ आप, घूसा लग जाएगा। जी इसका बताइए दोस्तों, 22 का इस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है, और ये क्वेश्चन डिट्टो कॉपी आया हुआ है दोस्तों, 3 बार डिट्टो कॉपी आया हुआ है, 3 से 4 बार, 2009 से लेके, मैं कह रहा हूँ 2009 से लेके 2019 तक 10 साल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। जी हैप्पी टीचर डे, गायत्री मंत्र, कहाँ आप मंत्र पढ़ते रहते हैं, गायत्री मंत्र जी, हैप्पी टीचर डे, थैंक यू जी। वाइस का कमल, प्रीति, गायत्री, चंदा, सुप्रिया, मनोज, जैन, चंदना कुमारी, चंदना कुमारी है क्या नाम आपका, राजकुमार, विक्रम, शोभना, विनोद, नेहा, बबीता, मिताली। जी सभी ने इसका 22 का आंसर बी दिया है। वीवी शिवा ने भी बी आंसर दिया, मिताली वर्मा ने भी बी आंसर दिया है। जी
चलिए देखते दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2009 का क्वेश्चन है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और डिट्टो कॉपी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर 2 आएगा, और मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको कि देखिए, अगर वृद्धि की जाती है, अगर इंक्रीज किया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भुजा है वो एक्स परसेंट बढ़ाई जाती है तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों 100+ में A, 100+ में B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है यहाँ पे, 100+ में A, 100+ में B, डिवाइड बाई 100 और -100। अगर उसके अंदर वृद्धि की जाती है, इंक्रीजमेंट की जाती है तो प्लस होगा, और अगर उसके अंदर माइनस किया जाता है भुजा के अंदर तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो जाना, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों इन चीज़ों को, और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अरे यार, इसका तो आंसर ऐसे ही दिख रहा है, एक 10 सेकंड सोचने से ही आंसर पता चल रहा है इसका जी। हाँ, पैर में दिक्कत होगी यार आज तो, कल ना थोड़ा सा दिक्कत हो गई पैर के अंदर जी। 7 का C, श्रुति, गायत्री, सविता, नवीन, विक्रम, सुमी, दीपशिखा, शोभना, प्रीति, विनोद, हरप्रीत कौर। 4 का 4 पे ही हो क्या आप अभी तक? रेनू, रश्मि, बबीता शर्मा 7 का C आंसर दे रहे हैं, विनीता रानी 7 का C जी। बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा? राजकुमार, जैन क्लब, नेहा, मनोज कुमार 7 का C आंसर जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज यार बहुत मजा आ रहा है, आज सच में मजा आ रहा है, आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, और आज मेरा पिटाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है आज की क्लास में, ठीक है? तो अच्छी बात है, आप कोई भी गलत आंसर मत देना, नहीं तो मूड खराब हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त, सोनी यादव जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, 72 इसका आंसर आएगा, और किस तरह से आएगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर डिस्टेंस देखिए दोस्तों कितने का है, डिफरेंस देखिए, सॉरी डिफरेंस कितने का है, शुरू में 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 12 का है, फिर 14 का है, और फिर कितने का आएगा, 18 का आएगा, ठीक है? तो इनके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है, तो बिल्कुल आसानी से इसको हम कर सकते दोस्तों, बिल्कुल सही है जी, 2 का अंतर है, 2 का नहीं है, देखिए कितने का अंतर है, पहले 4 का, 6 का, 8 का, हाँ जी 2-2 का अंतर है, 2-2 का डिफरेंस है इन सभी के अंदर, जो डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर 2-2 का है जी। चलिए वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला बताइए दोस्तों, इस श्रृंखला में अगला पद क्या है, इस नंबर सीरीज में अगला पद क्या है, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 2, 7, 27, 63 और 126, इसका बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? 7 का, एक मिनट, ये भी 7 था, हाय इसका भी 7 है, हे भगवान, आंसर चेंज, क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गए इसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 7 ही लिखिए आप, इसको 7 ही लिखिए दोस्तों, 8 मत लिखिए, 7 ही लिखिए जी। मिताली वर्मा, बबीता, गायत्री, सुप्रिया, राजकुमार, प्रीति मिश्रा, दीपशिखा, स्विता घुले, शोभना नारायण, विक्रम, रश्मि, जैन क्लब, 7 का A, 8 मत लिखिए प्लीज, 7 ही लिखिए, गलती से हमने यहाँ पे 7 लिख दिया तो आप भी 7 ही लिखिए, 8 में फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, अरे भाई हाँ ठीक है जी, बताइए, 7 का A आंसर आ रहा है जी, देखते हैं जी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही जी, इसका आंसर आएगा 215 आएगा, आंसर ए आएगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या इसके अंदर पैटर्न यूज हो रहा है,
पहले हमने 1 का क्यूब किया और उसके अंदर एक माइन एक प्लस कर दिया, फिर 2 का क्यूब किया -1 कर दिया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 का पहले तो क्यूब हो रहा है और फिर +1 हो रहा है -1 हो रहा है +1 हो रहा है -1 हो रहा है, ये इसके अंदर पैटर्न यूज हो रहा है। और इन सभी के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया है कि किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये देख रहा है कि उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो रही है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है कि वो प्लस हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई या क्यूब हो रहा है। जी बिल्कुल सही, आप सभी ने इसका आंसर दिया है। संगीता देवी भी लेट आए हैं भाई, पिटाई होगी इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारे उम्र वाले क्वेश्चन आ गए, एज वाले क्वेश्चन। इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है, प्रेजेंट टाइम में एक मदर अपने बेटे से 3 गुना बड़ी है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का जोड़ कितना हो जाता है, 70 वर्ष हो जाता है, 10 वर्षों के बाद माँ की आयु क्या होगी, ये बताइए दोस्तों। हैप्पी टीचर डे मोहद इकरार जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग जी। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों, इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुनी बड़ी है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष होगा, 10 वर्षों के बाद माँ की आयु क्या होगी, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गायत्री मंत्र ने 8 का सी दिया है, सुमिजन ने सी दिया है, नवीन कुमार ने भी सी आंसर दिया है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। कोई नहीं, आप थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, इतने जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए। बबीता शर्मा ने 2 आंसर दिया, नवीन कुमार, राजकुमार, श्रुति, सुप्रिया, विनोद, रश्मि ने बी दिया है, औरों ने कितना दिया है, सी आंसर दिया है जी। राजकुमार, मनोज कुमार जी, बताइए सर, जल्दी बताइए, फिर करते हैं यार। जैन क्लब, शोभना नारायणा, 8 का सी आंसर आ रहा है जी। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 सेकंड का और मैं टाइम देता हूँ आप सभी को, 10 सेकंड का जी। बी आंसर रेनू शर्म, बी और सी आंसर आ रहा है भाई, किसी का बी आ रहा है तो किसी का सी आ रहा है। 10 वर्षों के बाद पूछा हुआ है दोस्तों, 10 वर्षों के बाद कि आयु क्या होगी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। सर मुझे डायरेक्शन के और आयु के क्वेश्चन नहीं आते, सविता घोले जी, क्यों नहीं आते, आपको घूसा लगना चाहिए, आप तो बहुत समय से स्टडी कर रहे हैं फिर भी नहीं आते तो ये अच्छी बात नहीं है जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर 55 वर्ष आएगा, 2 आंसर आएगा इसका सी, जिन्होंने आंसर दिया है उनकी सभी की कुटाई होगी भाई, सी इन्होंने 45 दिया है। अरे भाई साहब, 45 उनकी प्रेजेंट आयु आएगी, प्रेजेंट एज आएगी 45, ये पूछ रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है। अब देखो कौन कौन पिटिंग है, विक्रम, चंदा, मनोज कुमार भी पिटिंग, नेहा, सुप्रिया, राजकुमार, देखो भाई आज तो सारे भाई सारे पिटेंगे, आज तो कितने कितने सारे पिटेंगे, अच्छी बात नहीं है, टीचर डे पे गंदे काम मत करवाओ मेरे से, आ गई ना बात समझ में, अच्छे काम करो, क्यों मेरे को बुरा बना रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो, मेरा गलत हो गया, पिटेंगे पिटेंगे। नेहा, सविता, गायत्री, हाँ गायत्री जी पिटेंगे, देख लीजिए, देखिए मान लेते हैं पुत्र की आयु एक्स है तो माँ की आयु कितनी होगी, 3x हो जाएगी, 5 साल के बाद माँ और पुत्र की आयु कितनी है, 70 वर्ष है, तो उनके अंदर एक्स में और 3x में 5 5 ऐड करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 10 + 4x = 70, और 4x यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है, 45 हो जाएगी माँ की, क्योंकि 3 गुना है, तो 10 साल के बाद कितनी होगी, 45 जमा में 10 55 हो जाएगी, 10 ऐड नहीं किया सर तो मैं कर दूँ ऐड, घूसा लगा के कर दूँ ऐड आप में, एग्जाम के अंदर ये एक्सक्यूज दोगे क्या, मैं 10 ऐड करना भूल गया,
ऐसे ही मार खाओगे आप, ऐसे ही मार खाओगे। 45 आ गया ना बस, हाँ 45 आ गया इसका आंसर, जल्दी से आंसर टिक कर दो, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम के अंदर, ऐसे ही गलत होगा, है ना? तो पिट जाओगे भाई, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं आके तोड़ूंगा, अगर गलती कर दी ना एग्जाम के अंदर, वहीं आके तोड़ूंगा मैं आपको, देख लेना, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी अब बताइए, अच्छे से आंसर देना इसका। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। पत्नी से कितना? 3 साल बड़ा है। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। 3 साल बाद बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी? ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। हा। अब देखते हैं कौन बचता है इससे। गायत्री ने डिलीट कर दिया आंसर, मनोज कुमार ने डी आंसर दिया है इसका। यार फैन चला लेता हूँ सुबह, पहले गर्मी हो गई है। जी मनोज कुमार, विक्रम, राजकुमार, रश्मि, नवीन, गायत्री, सुमी, बबीता ने सी दिया है, हरप्रीत ने सी आंसर दिया है, राजकुमार, नवीन, गायत्री ने डी आंसर दिया है, विक्रम ने डी दिया है, मनोज कुमार ने डी आंसर दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। जी बताइए और बताइए। शोभना नारायणा ने 9 का डी, दीपशिखा ने डी आंसर दिया है, सुप्रिया ने डी दिया है, और बताइए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चंदा कुमारी, डी आंसर दिया है। हा। अब की बार फिर पिटेंगे, अब की बार फिर पिटेंगे, क्या बात है। अरे आज के दिन तो बच जाओ, आज के दिन क्यों मेरे को बुरा बना रहे हो, मोहद इकरार 9 का सी। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मोहद इकरार तो जरूर पिटेंगे, इन्होंने आंसर डिलीट करके दोबारा लिखा है, 9 का बी लिखा है। जी चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, और जरूर पिटेंगे क्योंकि 9 का बी सी डी आंसर दे रहे हैं, मिक्स आंसर दे रहे हैं सभी। चलिए इसका आंसर दोस्तों ये होगा हमारा 50 होगा, 50 होगा दोस्तों, आंसर नंबर 4 होगा, डी इसका आंसर होगा। सबसे पहले देख लीजिए कैसे होगा और फिर करते हैं पिटाई, है ना, फिर करते हैं पिटाई। अंशु वर्मा की भी पिटाई होगी, ये लेट आए हैं। जी देखिए मान के चलते बेटे की आयु कितनी है, एक्स वर्ष मान लेते हैं, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 4x होगी, क्योंकि 4 गुना बड़ा है जो व्यक्ति अपने बेटे से। पत्नी, अब पत्नी की आयु देखते दोस्तों, जो व्यक्ति है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, व्यक्ति क्या है 3 साल बड़ा है, तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 4x में से -3 हम कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, पत्नी की आयु हो जाएगी, ये आप देख लीजिए इसमें, ये पत्नी की आयु हो जाएगी 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर बेटा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 15 साल हो जाएगा। यहाँ पे जो बेटा है, बेटे की आयु कितनी आ जाएगी, एक्स कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12 साल आ जाएगी। प्रेजेंट आयु कितनी आ जाएगी बेटे की, 12 साल आ जाएगी। पत्नी की आयु कितनी आएगी दोस्तों, 4x-3 यहाँ पे करेंगे तो कितना आया, 12 चौके 48-3 45 साल आ जाएगी। और 5 साल के बाद कितनी आयु आएगी, 5 साल के बाद में 45 प्लस 5 कितना होगा, 50 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे पहले पिटाई होगी जिन्होंने इसका आंसर 45 वर्ष दिया है, उसकी पिटाई होगी, ऑप्शन नंबर 3 वालों की। देखते हैं, सॉरी सर स्कूल में जा रही, अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्लास, हैप्पी टीचर डे डे। थैंक यू जी, थैंक यू जी, हमें दुख है इस चीज़ का, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे अंशु जी, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना जी, रिकॉर्डेड देख लेना। अब पिटाई करता हूँ मैं, छोड़ने वाला नहीं हूँ जी। सी आंसर किसने दिया, हरप्रीत कौर, पिटेंगे आप, पिटेंगे जरूर पिटेंगे आप, हरप्रीत कौर। और कौन है, और कौन है भाई, अच्छा जिन्होंने इसका बी आंसर किसने दिया है देखते हैं, ये देखिए बबीता शर्मा भी पिटेंगे, इन्होंने भी सी आंसर दिया था इसका, और बी किसने दिया था, मोहद इकरार भी पिटेंगे, ये देखिए मोहद इकरार ने पहले भी गलत दिया था सी देके और फिर बाद में भी गलत दिया। जी मिताली वर्मा भी पिटेंगी, जी देख लीजिए कितने पिटेंगे, पिट जाओगे आप, क्या कर रहे हैं आप, डी क्लियर हुआ।
ध्यान से समझ लीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम सर के ऊपर है और आप अब भी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भैया, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मोगेम्बो खुश नहीं होगा, मोगेम्बो फिर नाराज हो जाएगा, मोगेम्बो एग्जाम के अंदर आके तोड़ेगा आपको, देख लेना। सच बता रहा हूं मैं, मेरे पास मिस्टर इंडिया वाली शक्ति है, आपको पता नहीं है, राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मिस्टर इंडिया वाली शक्ति है मेरे पास, और एग्जाम सेंटर के अंदर आके ही तोड़ूंगा मैं आपको, अगर गलत कर दिया तो वहां पे। जी चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। मोहद इकरार, जल्दी में क्या, कैसे जल्दी में? आपने तो डिलीट कर दोबारा भी आंसर लिखा था, मतलब सोच के लिखा होगा दोबारा भी। जी, एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यानी कि एक ग्रुप में 40 लोग हैं, आप ये मान के चलिए 40 लोग हैं। पहले 10 सदस्यों का औसत कितना है, एवरेज कितनी है? 10 लोगों की एवरेज 44.5 है, और शेष 30 सदस्यों का औसत कितना है, 3.5 है। देखिए टोटल कितने, 40 लोग हैं, 40 लोग में से पहले जो 10 है उनका एवरेज कितना है, 4.5 है। 30 जो रहेंगे उनका एवरेज कितना है, 3.5 है। तो पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। गायत्री मंत्र, सुनीता देवी, सुमी, राजकुमार, विक्रम, 10 का आंसर सी दिया है, प्रीति मिश्रा, रेणु शर्मा, 10 का सी, श्रुति सिंह, 10 का सी आंसर। जी बताइए दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कौन पिटेगा, दीपशिखा, शोभना, नवीन, सुजाता, विनोद, और बताइए भाई, चंदना कुमारी, जैन क्लब, 10 का सी आंसर दे रहे हैं ये। और बताइए और क्या आंसर होगा इसका। सुप्रिया कुमारी, हरप्रीत कौर सर, खाना बना रही और साथ में क्लास अटेंड कर रही हैं। ओके ओके ओके, हरप्रीत जी आप बहुत ही मेहनती हैं जी, वेरी गुड, 10 का सी। चलिए बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल सही है। 15/4 इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। 150/40 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 15/4 इसका आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला है, ये भी हमारा औसत से है, 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है, 210 स्टूडेंट है टोटल, 1/3 छात्रों का माध्य कितना पाया जाता है, 60 पाया जाता है, 1/3 जो स्टूडेंट है उनका माध्य कितना है, 60 है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तब संपूर्ण समूह का एवरेज क्या होगा? माध्य का मतलब है दोस्तों एवरेज मान के चलिए आप, ठीक है जी। 11 का आंसर बताइए, 11 का गायत्री सुमी ने दिया है इसका आंसर, डी आंसर दिया है। समझा देता हूं दोबारा से, 210 स्टूडेंट है एक ग्रुप के अंदर, उसके अंदर 1/3, 1/3, 1/3 कितना होगा, 7 या 21, तो 7 दूनी 14, 1/3 देख लीजिए दोस्तों इसका होगा, हाँ जी 70 होगा इसका, तो 1/3 का कितना है, 60 माध्य है, और जो शेष छात्र रहेंगे उनका 78 है जी। बताइए सर, माध्य मीन या मोड? जी एवरेज, एवरेज मान के चलिए, एवरेज मीन होता है मीन जी। 11 का डी आंसर है, श्रुति दीपशिखा बता रहे हैं कि डी है, कमल भटेरिया, विवि शिवा, जैन क्लब जी, सुमी जैन, सुजाता जैना, रेणु शर्मा, चंदना कुमारी, 11 का डी आंसर। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, 11 का डी। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, 72 इसका आंसर आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही इसका आंसर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और किसी भी दोस्त का गलत नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। किस धन राशि का 5% की दर से साधारण ब्याज 420 रुपये है, ठीक है, किसी धन राशि का
धनराशि प्रिंसिपल, किसी प्रिंसिपल पर 5% की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 420 रुपये है 4 वर्ष में। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने नहीं बताया, सिंपल सॉरी 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 प्रिंसिपल नहीं बताया इन्होंने। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे वो दी है दर दी है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इन्होंने दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, और यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे हमें वर्ष यानी कि साल दिए, ईयर दिए, टाइम दिया है, यहाँ पे हमें 3 चीजें दी है। प्रिंसिपल हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम है, 3 चीज यहाँ पे हमें दी है, तो चौथी चीज हम यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस ब्याज की दर पर उतनी ही धनराशि पर 2.5 वर्ष के पश्चात ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त की जा सकती है? जी बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी हमने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं जी। गायत्री मंत्र सुमी सुमी जैन 12 का ए, 12 का ए, विक्रम, मनोज, गीता, सुप्रिया, सोमना ने 12 का आंसर सी दिया है जी। नवीन कुमार, देखते हैं ये पिटेंगे या फिर गायत्री मंत्र या सुमी जैन, ये पिटेंगे, देखते हैं कौन पिटेगा भाई। नवीन कुमार ने सी आंसर दिया है, शोभना ने भी सी आंसर दिया है जी। बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। ऊपर वाले में भी हमें 3 चीजें दी हुई है, चौथी चीज निकालनी है, और वो जो चौथी चीज प्रिंसिपल हमारा निकल जाएगा उससे हम आगे क्वेश्चन निकाल सकते हैं जी। सेनाथ पादार, सेनाथ, सेनाथ नाम है ना आपका, विनोद रश्मि 12 का सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी, 1 मिनट। हाँ जी, अरे भाई साहब क्या हो गया कंप्यूटर को मेरे। हाँ जी, चलिए इसका आंसर 8% है दोस्तों, बिल्कुल सही है इसका, और देख लीजिए समझ लीजिए, दोस्तों को समझ में नहीं आया है, देखिए प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ था। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमने फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से हमारा क्या है, सिंपल प्रिंसिपल यहाँ से हमारा निकल गया, प्रिंसिपल से फिर यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम एक क्वेश्चन करते आते हैं ना दोस्तों, 6वीं 7वीं में हमने किया है कि ब्याज बराबर में मूलधन गुना में दर गुना में 100/ सॉरी मूलधन गुना दर गुना समय, हाँ सॉरी, ब्याज किसके होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 वाला जो फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, उस फॉर्मूले से ये निकाला गया है। ठीक है, जो जो चीजें है वो चीजें रख दीजिए, और जो चीज नहीं है उसे एक साइड में ले आइए, तो बिल्कुल आसानी से इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, कोई भी मुश्किल नहीं है ये जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको अच्छे से समझा देंगे जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों, क्वेश्चन ये भी हमारा उसी से है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह से है। किसी धन राशि पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, अब देखिए इसको समझने की जरूरत है, जिसको हिंदी नहीं आती उनको मैं बता देता हूँ। किसी धन राशि पर, धन राशि मतलब प्रिंसिपल इन्होंने यहाँ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, उस पे 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 साल में ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपये है। ठीक है, हर चीज आपको इंग्लिश हिंदी में मैं बता रहा हूं, अब आपको अच्छे से करना है। उसी धन राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये बताइए दोस्तों अच्छे से। एक बार फिर से सभी चीजों का मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। धन राशि हम कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ब्याज का मतलब आपको पता ही है इंटरेस्ट होता है,
और क्या बताएं आपको जी। 13 का आंसर एक ही ने दिया है अभी तक, गायत्री मंत्र ने 13 का आंसर सी दिया है। और बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए अगर आपको ये अब मुश्किल लग रहा है ना, तो भाई साहब और मेरी बहनों अच्छे से कर लीजिए इसको, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। फिर कहोगे सर इतना मुश्किल है, हमसे तो हो नहीं रहा, ये है वो है, भागोगे आप क्वेश्चन पेपर में, तो अभी आप अच्छे से कर लीजिए। अरे क्या बात है, सुमी जैन, राजकुमार, तीन ही दोस्तों का आया है अभी तक। सो सैड, वेरी वेरी बैड बात, अच्छी बात ना आई। इतने कम स्टूडेंट ने दिया है इसका आंसर, भाई कति भी अच्छी बात ना आसा हो। शोभना नारायण, मनोज कुमार, विक्रम, सुजाता, प्रीति ने सी दिया है, और गीता पांडे ने डी आंसर दिया इसका। विनोद कुमार, मोहद इकरार, मैं टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, और टाइम देता हूँ आपको, चलिए 15 सेकंड का टाइम दिया आपको, कीजिए जल्दी कीजिए यार। और जिसको भी नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आया, ओके ओके समझा देंगे, कोई बात नहीं सर। नवीन कुमार जी, दीप शिखा, वीवी शिवा, 13 का सी आंसर दिया है। देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक दूसरे का देख के आंसर मत दीजिए। जैसे गायत्री ने बोला है, नवीन कुमार ने बोला कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिए कि नहीं आ रहा, हम इसको समझा देंगे अच्छे से आपको जी। बबीता शर्मा, सुपीरिया, 13 का आंसर सी दिया है जी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आता है, और किस तरह से इसका आंसर आता है, कैसे इसका आंसर हम निकालेंगे। देखिए ये देखिए, एक मिनट यार, मैं ना पंखा बंद ही कर देता हूँ, बहुत शोर आता है, मेरे को शोर आता है उस पंखे का। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 300 रुपए है। कितना है, 300 रुपए है। माना मूलधन, माना प्रिंसिपल कितना लिया दोस्तों, पी है। एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक समान होता है, ये चीज उन्होंने वहां पे दी हुई है दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन में दी हुई है। एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक समान होता है। ब्याज किसके इक्वल होता है दोस्तों, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 होता है, ये हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। और ब्याज अपने पास कितना है, ब्याज हमने 300 रुपये इन्होंने पहले ही दिया हुआ है। फिर फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल गुना में 10 गुना में 1/100। अब देखिए मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल हमारे पास है ही नहीं, प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। दर कितना है, दर देखिए 10% यहाँ पे दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, गुना में एक, एक मतलब 1 साल, बटे में 100, 100 हमें यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देखिए पी एक साइड में रख लेंगे और सारी जितनी चीजें वो दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो प्रिंसिपल से अपना कितना आ जाएगा, 3,000 यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, आप एक मैं ना मार्किंग लेके चलता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज जी। ये देखिए आप केवल और केवल इसको ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए आप, ठीक है। ब्याज इक्वल टू कितने किसके होता है, मूलधन गुना दर गुना में 100/ सॉरी यार, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ब्याज हमें कितना दिया है, 300 हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। दर दर कितनी है, 10% दी है, क्वेश्चन के अंदर देखना 10% दी है। समय हमें कितना है, समय हमें 1 साल दिया है, और बटे में हमने 100 कर लिया। अब देखिए हमारे हमें क्या है, प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल हमने इस साइड रख लिया, और जितनी भी चीजें हैं ये 100 हम इस साइड लेके गए, ये 10 इस साइड लेके गए, एक इस साइड लेके गए, सारी की सारी चीजें दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3,000 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 3,000 क्या आया है हमारे पास, पी आया, प्रिंसिपल आया है। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। इसी धनराशि पर, उसी धनराशि के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, अब ये कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर, ये इंटरेस्ट रेट दे दी और यहाँ पे इसने टाइम दे दिया, तो यहां से क्या है दोस्तों आगे क्वेश्चन
कर सकते हैं ना, साधारण ब्याज हम आगे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बढ़ में 100। अब देखिए, अब अपने पास, रुकिए मैं बता देता हूँ, अब ये देखिए, ये हमें साधारण ब्याज निकालना है ना। अब प्रिंसिपल कितना हो गया, 3,000 हो गया, और दर कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 8, और टाइम कितना है, 4, ठीक है, और बटे में 100 हमने कर लिया। तो इस तरह से यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपये यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा दोस्तों, और एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज और, मैं ना ये जो लाइव मॉक टेस्ट है अपने पेड कोर्स में डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ जो है ना ये पेड कोर्स में डाल दूंगा आपको, आप वहां भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। सर टाइम 3 दिया है पहले, सर 3 टाइम, सर कहाँ से आ गया 3, 3 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ, कहाँ है 3, 3 वर्ष का ब्याज। अरे 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 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, ओहो ये बात है, ये बात है, 3 वर्ष दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे जी। इसके अंदर फिर हो सकता है उसकी क्वेश्चन की क्वेश्चन पढ़े सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी इसके अंदर ना वो हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, फिर फॉन्ट वगैरह चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे 3 वर्ष नहीं आएगा जी, यहाँ पे 1 वर्ष आएगा, 832 और 9, 6, 3, 3, 9, हाँ जी 1 आएगा दोस्तों, 1 आएगा यहाँ पे 1। रुकिए 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 1 मिनट रुकिए, मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ जी। यहाँ पे 3 की जगह दोस्तों 1 आएगा, 1 वर्ष आएगा यहाँ पे, 1 आएगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कई बार क्या है कि हो जाता है, चेंज हो जाते हैं फॉन्ट वगैरह, हिंदी में कन्वर्ट करते पीडीएफ वगैरह बनाते तो हो जाता है। 3 की जगह यहाँ पे 1 वर्ष आएगा दोस्तों, 1 वर्ष आएगा जी लास्ट, हाँ जी ये लेटेस्ट है, ये दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में से है, यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते, 1 आता है सर, क्वेश्चन में गलत दिया है सर, 1 ही आता है, हाँ जी 1 आएगा जी इसमें, और 3 गलती से लिखा गया है, इसमें 1 आएगा। 1 वर्ष करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझा देंगे जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गांव के 5% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु होने के बाद पूरा गाँव भयंकरात हो गया जी। ये देखिए, किसी गांव के अंदर 5% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु होने के कारण पूरा गांव भय, पूरे गांव के अंदर क्या है दोस्तों, भय फैल गया ठीक है। अब इसको आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि किसी गांव के अंदर 5% लोगों को कोरोना हो गया, तो पूरे के पूरे गांव में क्या क्या है, दहशत फैल गई ठीक है, पूरे गाँव में दहशत फैल गई, 5% लोगों को कोरोना होने से मृत्यु हो गई और पूरे गांव में दहशत फैल गई। उस दौरान शेष ग्रामीणों में से 20% लोग गांव छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप गांव की आबादी 4,750 रह गई। गांव के मूल अधिवासियों की कुल संख्या क्या थी, ये बताइए दोस्तों। इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं, देखिए गांव के अंदर 5% लोगों की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, पूरे गांव में दहशत फैल जाती है, तो उस गांव में से अब देखिए 5% लोग मर गए तो कितने रह गए, 95% लोग रह गए ना। अब उन 95% लोगों में से 20% लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं, कहीं और पे चले जाते हैं, 95% में से 20% छोड़ के चले जाते हैं ठीक है। अब देखिए
उन 95% में से 20% माइनस करते हैं तो कितना रह गया हमारे पास? 75 रह गया ना। 75% कितना है हमारा? 4750 है। तो पूरे गांव की हमें संख्या निकालनी है। जी, मैंने आपको बिल्कुल इजी कर दिया है दोस्तों। अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 20%, सॉरी 75% नहीं आएगा, वो 95% का 20% कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके देखिए कितना होगा। देखिए कैलकुलेट करिए कितना होगा उसका। जी, गायत्री, विक्रम, सुमी, प्रीति, शोभना, राजकुमार, विवी, रश्मि, सी आंसर दिया इन्होंने, गायत्री। जी सर, कोरोना का अच्छा एग्जाम्पल है। जी हाँ जी, मनोज, सुजाता, नवीन, मोहद, 76 रह गया सर। हाँ जी, जो भी आप देख लीजिए, 95% का 20% माइनस करके देखिए कितना रहेगा। जो भी ये 75 या 76 जितना भी है वो कितना है? 4750 है। तो 100% कितना होगा? अब देखिए, हम छोटी क्लास के अंदर करते थे ना कि किसी चीज का 80% 10,000 है, तो 1% कितना होगा? 10,000 बटे में 80। तो 100% कितना होगा? 10,000 बटे में 80 गुना में 100। वैसे करते थे ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल 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 इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जी चलिए, 5 10 सेकेंड और देता हूँ, जल्दी से बताइए, जिसका भी रहता है जल्दी बताइए। जैन क्लब, चंदा कुमारी, 75% नहीं होगा, गलत बता रहे हैं आप चंदा कुमारी जी। जैन क्लब जी, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। जी चलिए 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 आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी आई सही है, 6250 इसका आंसर आएगा। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। माना कुल जनसंख्या कितनी थी? 100% थी, ठीक है। मलेरिया होने पे 5% लोग तो मर गए, तो कितने रह गए? 95% रह गए। गांव छोड़ के गए, गांव कितने छोड़ के गए? 20% लोग गांव छोड़ के गए। तो 20% का मतलब है दोस्तों 95 गुना में 20 बटे में 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 19%, सॉरी हाँ 19% आ जाएगा। 100 में से 19 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है, सॉरी 95 में से 19 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। 95 का 20% कितना होगा? 19 होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। अब 95 माइनस में 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि 76% किसके इक्वल है? 4750 के इक्वल है, ठीक है। 76% जब 4750 के इक्वल है तो हमारा 1% कितने के इक्वल होगा वो निकाल लीजिए, 4750 बटे में 76। और जब 100% का निकालेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। जी इस तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी करके मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 76% कितना है हमारा? 4750 है, ठीक है। और रुकिए, मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, अब अच्छे से दिखेगा। देखिए इसको आप भूल जाइए एक बार, 46% इतना है, तो 1% कितना होगा दोस्तों? 4750 बटे में 76। और 100% कितना होगा दोस्तों? ये देखिए, गुना में 100 यहाँ पे हो जाए, स्क्रीन पे यार लिखा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। 4750 बटे में 76 गुना में 100, इस तरह से हम इसको निकालेंगे दोस्तों। बिल्कुल आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, हम जब 6ठी 7वीं क्लास में होते थे तो बहुत अच्छे से हमने ये क्वेश्चन किए हैं। शारदा गुप्ता, पिटाई होगी भाई आपकी, आप लेट आ रहे, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये आपकी। जी चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। सर 20% लोग सर के गए थे ना, छोड़ के गए थे 20%, हाँ जी 20% गांव छोड़ के चले गए। जी चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, संजय ने एक वस्तु की 25% की हानि पर बिक्री की, ठीक है। संजय है, संजय ने कोई चीज लेके आया, उसने 25% लॉस पे उसको बेच दिया। यदि बिक्री की गई, यदि बिक्री मूल्य की 175 रुपए की वृद्धि की गई हो तो
हाँ सॉरी, अगर बिक्री मूल्य में 175 रुपए की वृद्धि की गई हो तो 10% लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है ये बताइए। देखिए मान के चलते हैं कोई व्यक्ति, मान के चलते हैं विक्रम जी एक सैनिटाइजर लेके आते हैं बेचने के लिए, ठीक है। विक्रम जी ने दुकान करके अपने घर पे ये सैनिटाइजर लेके आते हैं, 100 रुपए का सैनिटाइजर लेके आते हैं। हम कोई भी मान लेते हैं जैसे 80 रुपए का सैनिटाइजर लेके आते हैं विक्रम जी बेचने के लिए, लेकिन बाद में क्या है कि कोरोना खत्म हो गया और सैनिटाइजर बिकना हो गया बंद, तो इन्होंने क्या किया कि 25% लॉस पे वो सैनिटाइजर किसी को देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सोचते हैं भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, यदि ये अपने जो सैनिटाइजर के अंदर 175 रुपए ऐड करके उसको बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, ठीक है, 10% का लाभ होता है विक्रम को। तो अब हमें बताना कि इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब विक्रम जी सैनिटाइजर कितने रुपए में लेके आए थे, ये हमें बताना है जी। 15 का ए आंसर दे रहे हैं गायत्री मंत्र, 15 का ए, सुमी जैन ने 15 का ए, विक्रम सी, मनोज कुमार सी, सविता घुले ए, शोभना सी, मुझे जानकारी नहीं थी, शारदा गुप्ता। अरे भाई साहब मेरी बहन जी, क्या करें आपका, क्या करें, क्या करूं मैं, कूट दूं क्या आपको, जानकारी नहीं थी। हमने तो व्हाट्सएप पे भी बताया आपको, ऐप में चैट नोटिफिकेशन भेजे, कल रात को भी भेजे, सुबह भी भेजे, हमने आपको बकायदा टेक्स्ट मैसेज भी किया हुआ है, अपने अपने फोन में टेक्स्ट मैसेज चेक करना, वहां भी हमने आपको मैसेज किया हुआ है। आई बात समझ में, इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं पता चल रहा तो पिटेंगे आप। कोनी आवे, अच्छा नवीन कुमार कोनी आवे की, आ जाओ ईब, आ जाओ ईब, बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ईब बताऊंगा। घूसो लागो जद बेरो पटाओ, सिनाथ पादर 15 का ए जी। चलिए चलिए जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी आंसर दीजिए। सर सच में इस ऐप में बहुत लोचा है जी, बिल्कुल 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 भी लोचा नहीं है, लोचा आपके दिमाग में बोलूंगा मैं, आपके दिमाग में है। हमने आपको इतनी बार बता दिया यार, इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार बताया है कि आप ऐप के अंदर जाइए, स्टोर पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको अपना कोर्स दिखाई दे जाएगा, उसके अंदर क्लिक कीजिए, कंटेंट पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें तो है यार, क्या क्या लोचा है, कुछ भी तो नहीं है। सर आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं, हा, मूड आप लोग ही बनाते हैं और आप लोग ही बिगाड़ते हैं जी। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर दोस्तों 500 यानी कि आंसर नंबर सी इसका आएगा जी। चलिए इसको हम देखते हैं दोस्तों इसका आंसर सी कैसे आएगा जी। देखिए संजय ने एक वस्तु की 25% हानि पर बिक्री की, अर्थात संजय वस्तु के लागत मूल्य के 75% पर बिक्री करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसने शुरू में ही कहा है ना कि 25% हानि पर वो बिक्री करता है, तो मतलब हम मान के चलते हैं कि कोई वो चीज है 100 रुपए में लेके आया तो 75 रुपए में वो बेच रहा है। यदि बिक्री पर्सन के अनुसार यदि बिक्री मूल्य में 175 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 10% का लाभ होता है, अर्थात वस्तु के लागत मूल्य का कितना है 25 प्लस 10% हो जाता है, तो 175 रुपए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम मार्किंग लेके चलते हैं दोस्तों, मार्किंग से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए संजय एक वस्तु की 25% की हानि पर बिक्री करता है, ठीक है, मान के चलते हैं कि वो 100 100% मान के चलते हैं, 25% हानि मतलब 75% हम मान लेते हैं,
ठीक है, 75% पे वो 75 रुपए में कोई चीज भेजता, हम सीधा सा ये मान के चलते हैं, ठीक है। यदि बिक्री मूल्य में 175 रुपए की वृद्धि की जाती है, अगर इसके अंदर वो 175 रुपए और ऐड कर देता है, तो कितना लाभ होता है दोस्तों उसको, कितना हो जाता है, 10% लाभ होता है। तो अब उसे कितना है दोस्तों, 10% लाभ और हो जाता है, तो उसे भरपाई कितनी हो जाती है दोस्तों। एक तो देखिए, एक तो ये 25% ये पूरे हो जाते, जो 25% की हानि हुई है वो, और प्लस 10% लाभ और हो जाता, तो टोटल कितना है, टोटल 35% हो जाता ना उसका इजाफा, 35% बढ़ जाता है 175 रुपए के अंदर। अब देखिए, आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अगर वो 175 रुपये ऐड करता है तो उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि उसके 25% जो लॉस हुआ है ना वो भी कवर हो जाएगा, प्लस में 10% उसे मुनाफा और होगा, तो टोटल टोटल कितना इफेक्ट पड़ा, 35% का पड़ा ना, टोटल कितना 35% का पड़ा। अब देखिए, 35% किसके इक्वल है, 175 के इक्वल है, 35% किसके इक्वल है, 175 के इक्वल है। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, वस्तु के लागत मूल्य गुणा में 35/100। अब देखिए, 175% सॉरी 175 किसके इक्वल है, 35 के इक्वल है, तो वस्तु का लागत मूल्य 1 हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 500 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यदि आपको लोचा समझ नहीं आया तो नेट को कैसे समझोगे, यदि आप में लोचा है तब यूजीसी नेट लोचा ही लोचा है। आ गया गुरु जी, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आ गया ना समझ में, आपको एक बार अच्छे से फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल फंडा है यार, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर वो 175 रुपये में बढ़ा के चीज बेचता है तो उसे 35% का इजाफा होता है। अब देखिए, 35% किसी चीज का, 35% 175 रुपए है, तो 100% कितना होगा, 175/35 गुना में 100। बस सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है जी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आ गया गुरु जी, आ गयो के ई आ गयो के भाई साहब, नवीन भाई साहब ई आ गयो के क्वेश्चन, कहाँ से है सर, नवीन सर कहाँ से हैं आप, बागड़ी लग रहे हो मेरे को, आप राजस्थान से हो या फिर हरियाणा से हो आप जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, लगभग हमने सभी टॉपिक करने की कोशिश की है दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मैथ के अंदर। जयपुर जी, हाँ जयपुर से, जयपुर आला इसी त्रिया बोल रहे हैं, मन बेरो है जी। मनोज जी, आपको कितना टाइम से दे रहे हैं एग्जाम जी, 16 का आंसर बताइए। दो शहर पी और क्यू एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये चीज, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया है अगर आपको याद हो तो, कि जैसे कि मान के चलते हैं, हिसार से राजस्थान कितना दूर है, 360 किलोमीटर दूर है हिसार, सॉरी सॉरी हिसार से जयपुर, हिसार से जयपुर कितना है, 360 किलोमीटर दूर है। एक कार स्थान पी से क्यू को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, यानी कि एक कार है वो हिसार से जयपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ की स्पीड से जाती है, तथा पी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। यानी कि एक कार है वो हिसार से जयपुर 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, और जयपुर से हिसार की तरफ आती है तो 60 किलोमीटर स्पीड की तरफ से आती है, तो कार की औसत स्पीड हमें बतानी है दोस्तों क्या होगी। बस बिल्कुल सा आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर जी। बताइए, 16 का भी, गायत्री मंत्र, सविता, मनोज, रेणु, विक्रम, नेहा, सुमी, राजकुमार, चंदा कुमारी, 16 का बी आंसर जी, बी आंसर दे रहे हैं इसका, 48 किलोमीटर जी। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। नवीन भाई साहब ये भी तो बताओ, ये तो थारे जयपुर में पूछ काम,
थाना जयपुर में ही आ गया ये तो हम। दोस्तों मैं थोड़ी बागड़ी भाषा यूज कर रहा हूँ हमारे यहाँ की, शायद आप लोगों को समझ में ना आ रही हो। हरियाणवी नहीं, बागड़ी भाषा इसे कहते हैं। भूख लगी, भूख तो भूख नेट और जियारफ करने के बाद ही खाना खाना, उससे पहले मत खाओ आप। फिर छिक के खाइयो, छोले कुलचे और पिज्जा बर्गर सब खाइयो, ठीक है। पार्टी करते, फिर सभी पार्टी करते, जिस जिसका जियारफ होगा ना पार्टी देंगे, फिर पार्टी करते हैं जी। चलिए 16 का बी आंसर है सभी दोस्तों ने, और देखते दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी। इसका आंसर दोस्तों 48 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ पे हमने बताया कि टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर दोनों की अलग अलग निकालेंगे दोस्तों। 360 किलोमीटर जाता है तो कितने, 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 9 घंटे लग गए, ठीक है। और दूसरे के अंदर दोस्तों 360 बटे में 60 किलोमीटर, ये वापिस आने की हमने टाइम निकाल लिया 6, ठीक है। पहले में 9 घंटे लगे, दूसरे में 6 घंटे लगे। अब दोनों की एवरेज स्पीड निकाल लिया ना हमें, तो टोटल डिस्टेंस कितने होगी, 360 प्लस में 360, और टोटल टाइम कितना लगा, 9 प्लस में 6, 15 घंटे लगे। 720 बटे में 15 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड हमारी यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गई जी। बोलिए सर, अच्छी है जी, हा। 16 का भी गायत्री मंत्र बादशाह जी ने अप्रोक्सीमेट 8 मंथ से एग्जाम दे रहे हैं यहाँ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत से दोस्त हैं जो कम से कम 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो सच में, या क्या बताऊँ, सच में घूसा लगाने का मन करता है, पीटने का मन करता है। टाइम होने के बाद भी आप गलत आंसर दे रहे हैं। सर एडमिट कार्ड का कुछ पता चला क्या, कुछ नोटिफिकेशन है क्या यूजीसी की तरफ से? जी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 1-2 दिन के अंदर जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं जी। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। यदि ए माइनस बी का 60% इक्वल टू 40% जो ए प्लस बी है, तो ए का बी कितना प्रतिशत है, ये बताइए दोस्तों। इसमें कंफ्यूज होंगे, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होइए चाहे कुछ भी होइए, लेकिन इसका आंसर आपको आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पहले काफी रिपीट हुए, काफी क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ठीक है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, या तो आप इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागते रहिए पूरी जिंदगी और आपका नेट नहीं होगा कभी भी, नेट जीआरएफ नहीं होगा। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागेंगे ना, देखिए मैथ के अंदर, डीआई के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, हर टॉपिक के अंदर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक, हर यूनिट के अंदर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक मुश्किल लगेंगे। अगर आप हर टॉपिक से भागेंगे पीछा छुटा के, तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, हमेशा आप 2-4 नंबर से पिछड़ जाएंगे। तो कसम खा लीजिए कि आप हर टॉपिक को करेंगे आसानी से, चाहे कैसे भी करना पड़े उसको करेंगे, अगर आपको नेट और जेआरएफ लेना है तो। माइनस नहीं करना जी, माइनस नहीं करना। ए माइनस बी का 60% बराबर में 40% ए प्लस बी का है। चलिए कोई नहीं, अगर किसी को नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, इसे ये समझा देंगे हम जी। ए आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त, 20%। हा, 20% बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दिया है ना जी। चलिए देखते, मेरे को लग रहा है सभी की पिटाई होगी। चलिए दोस्तों, चलिए आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। हाय क्या बात है, आपका तुक्का तो बिल्कुल सही लग गया भाई, 60 में से 40 माइनस कर दो 20 आ गया, है ना। हाँ, ऐसा तुक्का हर बार नहीं लगता जी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रॉम ए क्वेश्चन, 60% ए माइनस बी का 60% बराबर में किसके, 40% ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। अब देखिए 60% है, परसेंट को जब हटाएंगे, 60 बटे में 100
इनटू में ए माइनस बी इक्वल टू में 40/100 ए प्लस में बी, ये हो गया। अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 3 × a − b इक्वल टू में 2 × a + b हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 − b/a, और इस साइड में क्या आएगा, 1 + b/a यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जब निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 20% आ जाएगा, b/a कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी दोस्त, चलिए स्क्रीनशॉट क्या लेना है, मैं आपको ये अभी डाल ही दूंगा पेड कोर्स के अंदर हमारे, उसके अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी, उसके अंदर आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर मैथ से पहले डर लगता था, अब नहीं लगता, ये आपकी कृपा है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और मेरी कृपा तो मैं तभी मानूंगा जब आप GRF लेके आएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आपने कुछ पढ़ा है, आपने मेहनत की है, ठीक है। तो सभी दोस्त अच्छे से एग्जाम देना दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का नेट और GRF होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और शारदा गुप्ता जी, हाँ जी, पड़ेगा इफेक्ट, अब की बार कम दोस्त एग्जाम दे सकते हैं, अब्सेंट हो सकते हैं काफी। देखिए दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए आप सभी, 1 मिनट रुक जाइए, लोचा समझा देता हूँ इसको। शारदा गुप्ता को लोचा आ रहा था ना, कि ऐप यूज करने में लोचा आ रहा था, तो रुकिए, जिन जिन को लोचा लग रहा है ना ऐप को यूज करने में, वो अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, ऐप के अंदर आना है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपने जो नंबर दिया है वो वही नंबर है क्या जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, पहले जो नंबर दिया था आज से 2-3 महीने पहले, वही नंबर ऐप के अंदर होना चाहिए। अगर आप नंबर चेंज करते हैं ना तो आपका ये कोर्स दिखाई नहीं देगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐप के अंदर नीचे ये देखिए स्टोर है, स्टोर पे आपको क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको योर परचेज्ड कोर्स दिखाई दे जाएंगे, जो जो कोर्स आपने खरीदे हैं, और आप केवल उसी कोर्स पे क्लिक कीजिए जो कोर्स आपने खरीदा हुआ है। अगर आपने 20 डेज वाला ये खरीदा है 399 रुपये के अंदर, तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर ये हैप्पी टीचर डे वाला खरीदा तो इस पे क्लिक कीजिए। आप दूसरे कोर्स के अंदर मत जाइए यार, दूसरे कोर्स के अंदर आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। जो कोर्स आपने खरीदा उसी को ओपन कीजिए, उसको ओपन करने के बाद आप कंटेंट पे क्लिक कीजिए, और उसमें आपको देखिए सबसे पहले ही दिखाई दे जाएगा 20 डेज मैराथन क्लास, ये आपको दिखाई दे जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है 20 डेज पे, यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद में आपको डेट वाइज यहाँ पे सारी की सारी क्लास यहाँ पे दिख जाएगी, वीडियो ऑडियो PDF एश जो भी है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप चैट ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं, नीचे स्टोर के पास में देखिए चैट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो कोर्स आपने लिया हुआ है उसी की चैट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, इस चैट में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिंक वगैरह जो भी है डेली क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैट के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है यार, कितना आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं इसको, कोई लोचा नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे यार क्या होगा, क्लास खत्म होगी क्या? अरे 1 मिनट, 1 मिनट यार रुकिए, क्या हो गया ही। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और जो भी सवाल जवाब है वो हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जी ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।